शिवपुरी जिले के पिछौर तहसील अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने छापेमार कार्यवाही कर 20 पेटी शराब को जब्त किया है। साथ ही शराब बेचने वाले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं छापेमारी के दौरान एक युवक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। वहीं पकड़ी गई शराब में कुछ शराब राजस्थान की है। पकड़ी गई शराब की कीमत 1 लाख रुपये बताई जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि वीरा गांव में 3 लोग अवैध देसी शराब बेचने का काम करते थे। मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी कर 2 लोगों को पकड़ा है और एक व्यक्ति टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया, जिसे पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मौके से 20 पेटी शराब को जब्त किया गया, जिसमें कुछ शराब राजस्थान की भी है। वहीं पकड़े गए व्यक्तियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, ये शराब को लेकर कुछ कार्रवाई भी हुई है, क्या कुछ कार्रवाई और कहाँ की घटना? कल शाम को बीरा गांव पिछोर हमारे सर्किल में पड़ता है, वहाँ पे कुछ लोगों की सूचना आ रही थी। हमने मतलब एक दिन पहले खरीदी कराई थी, तो वहाँ पर खरीदी में हमको पाया गया था वो देखिए शराब बेच रहे हैं। उसमें मौके पर फिर वहाँ कार्रवाई कराएगी, जिसमें 2 मुजरिमों को मौके से पकड़ा है और 1 मुजरिम अभी फरार है। जैसा वो बता रहे हैं कि ये उसका घर है, इसने बताया है। उसमें लगभग 20 पेटी शराब पकड़ी हुई है और उसमें देसी शराब है। सारी देसी शराब में कुछ तो राजस्थान की है और कुछ अपने यहाँ की है जो 1 साल पुराना है। सर, कितना इसका कीमत होगी सर शराब? अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो हम लगभग 1 लाख रुपये वैल्यू होगी उसकी, और वैसे लगभग 70,000 रुपये वैल्यू है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।